दोस्तों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मैं नहा धोकर नाश्ता करके पूरी तरह फ्री हो चुका हूँ। तो दोस्तों कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला है, तेज़ बारिश भी हुई है, अचानक मौसम बदल गया और इतने अधिक मात्रा में हमारे आम जो फल है, जैसा कि आप लोग अगर हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो पता होगा हमारे यहाँ आम का पेड़ और जाम का पेड़ भी है। तो आम अभी बहुत आया हुआ था दोस्तों, फल, आम के फल पेड़ में बहुत आए हुए थे, छोटे छोटे थे। तो कल बहुत अधिक मात्रा में आम के फल गिर गए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने अधिक मात्रा में फल गिर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कितने अधिक मात्रा में आम के फल गिर चुके हैं। देख सकते हो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो ऐसा नाश हो रहा है, फलों का गिर रहे हैं, देख सकते हो आप कितने अधिक मात्रा में फल गिर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरह के हैं दोस्तों हाल, आंधी तूफान में ये हाल हो चुका है, देख लीजिए। तो देखा दोस्तों कितने अधिक फल गिर गए हैं। और ऐसा कल तो खैर बहुत अधिक मात्रा में गिरा, लेकिन रेगुलर फल गिर रहे हैं इस बार, ना पता नहीं आम मिल पाएंगे भी कि नहीं। फिलहाल कितने बचे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आइए दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप, ये है हमारे घर का आम का पेड़, कलमी आम लगता है हमारे यहाँ। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कितने अधिक फल बचे हैं। ये देख सकते हैं कोई बहुत खास फल बचे हुए नहीं हैं, ज़्यादा नहीं है फल की मात्रा, छोटे छोटे अभी कुछ फल दिखाई दे रहे हैं जो आगे बड़े फल में परिवर्तित होंगे, आप देख सकते हो। तो कुछ ये हाल है दोस्तों, इस तरह से है अभी फल। और रिधव के यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, उनके यहाँ फल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हो, है ना, बहुत अधिक मात्रा में फल है। इनके यहाँ के फल भी कल गिरे हैं आंधी तूफान में, पर फिर भी पर्याप्त मात्रा में फल हैं इनके पेड़ पर। तो देखा आपने कितना अधिक आम गिर चुका है। तो इसी तरह से आम बर्बाद होते जा रहे हैं, कभी बंदर आकर आतंक मचाते हैं, तो ये कभी आंधी तूफान से, तो कभी मोहल्ले में बच्चे भी जो हैं अलग अलग कॉलोनी से आकर पत्थर मारते हैं, लकड़ी डंडे से आम तोड़ रहे हैं। तो इस बार पता नहीं पर्याप्त मात्रा में आम मिल पाएगा कि नहीं, देखते हैं कितने आम मिल पाते हैं। पर बहुत नाश हो रहा है इस बार पहले की अपेक्षा में, पहले बहुत अधिक मात्रा में आम मिल जाते थे, इस बार मुश्किल है। अब देखते हैं जो जितना मिलता है उसी से काम चलाएंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं भोजन करूंगा। वैसे तो मैं रात में भोजन करता हूं, लेकिन आज दशमी है और मैं एकादशी का व्रत करता हूं, इसलिए कल एकादशी है, इसलिए अभी शाम को भोजन कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं भोजन नहीं करूँगा, फिर मेरा फलाहार रहेगा। तो दोस्तों मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एकादशी जो है आज रात के 12:23 में, यानी कि 19 मार्च दिन मंगलवार को रात के 12:23 में एकादशी व्रत प्रारंभ होगा, और एकादशी व्रत का समापन 20 मार्च दिन बुधवार के रात्रि के 2:23 में समाप्त होगा, और व्रत का पारण सुबह लगभग 8:30 गुरुवार को, 21 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 से 9:45 के बीच में कर लेना है पारण। यदि किसी कारणवश मिस हो जाए तो फिर 21 मार्च को ही दोपहर में 1:05 से 4:00 के बीच में पारण कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये मुहूर्त है और एकादशी में मुहूर्त में ही पारण किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप करते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों कई लोग होंगे जिनको एकादशी के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आप लोग कमेंट्स करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी व्रत क्या है तो
उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या आप जानना चाहते हैं, या फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं खुद ही बना दूंगा, क्योंकि एकादशी व्रत के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत है, इससे बड़ा व्रत कोई है ही नहीं। अगर तराजू के एक पलड़े में सभी व्रतों को रख दिया जाए और एक पलड़े में अकेला एकादशी व्रत भी रहना, तब भी वो पलड़ा भारी होगा, क्योंकि एकादशी को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। ये भगवान के लिए किया जाने वाला व्रत है, भगवान से हमारी निकटता बढ़ती है जो भी एकादशी व्रत करते हैं उनका। तो इसलिए इसके बारे में यदि विस्तार से जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं अलग से पूरा एक इसी पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ मौसम का हाल देखिए। आज मौसम कुछ इस तरह से है, बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान पर। तो दोस्तों ये देखिए अनार, और ये देखिए अनार के दाने, इसका जूस निकाला जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में दाने निकाल लिए गए हैं अनार के। अब इसका जूस कल बनेगा, क्योंकि दीदी व्रत करती हैं एकादशी का, हमारी पूरी फैमिली करती है। तो दीदी जूस पीना पसंद करती है फ्रूट खाने की बजाय, फ्रूट भी खाती हैं पर जूस पीना ज़्यादा पसंद करती है, इससे एनर्जी भी मिल जाता है बॉडी को। तो दोस्तों कल की तैयारी तो हो चुकी है एकादशी की, काफ़ी हद तक फ्रूट्स वगैरह सब आ चुके हैं घर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे दिख रहे होंगे। तो ये है पपाया, ये है तरबूज, ये एप्पल्स, खीरा, ये है ग्रेप्स, बनाना। तो काफ़ी हद तक फल आ चुका है दोस्तों कल के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली व्रत करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल एकादशी है तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या करेंगे। कल कहीं मंदिर वगैरह भी जाएंगे तो उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बाय बाय।